वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटिकल टीच में आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास। सो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम जो बात करने वाले पद्मा भूषण पुरस्कार 2020 में जो दिए गए हैं उसके बारे में आज हम यहां पर कवर करेंगे आज की क्लास। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये पद्म भूषण क्यों दिए जाते हैं? तो पद्म पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं? पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिकों को पुरस्कार में से एक है ये पद्म भूषण और विभूषण और पद्मश्री। पुरस्कार कला के क्षेत्र में मिलते हैं और समाज सेवा और विज्ञान उद्योग और चिकित्सा और साहित्य और खेल कूद के क्षेत्रों में ये योगदान के लिए पद्म भूषण दिए जाते हैं। और सबसे पहले ये जो पद्म पुरस्कार था कब दिया गया था? 1954 में दिया गया था। ये पद्म पुरस्कार जो दिया गया था 1954 में दिया गया था। अब जो पद्म पुरस्कार है ये दूसरा पुरस्कार है, दूसरी बार दिया जा रहा है। तो थ्री कैटेगरी में ये डिवाइड कर रखा है। जब थ्री प्रकार के पद्म पुरस्कार भारत में यानी भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, तो कौन कौन से है? पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है। एक बार मैं फिर रिपीट करती हूँ, क्या है वो? पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्म श्री है। तो ये किस किस को मिल चुका है? तो पद्म पुरस्कार 2020 कुल जो मिले हैं वो 142 है जिनको मिले हैं ये भूषण। पद्म विभूषण किस किस को मिले हैं? तो वो मिले हैं सात व्यक्ति को। किसको? सात व्यक्ति को। पद्म भूषण किसको मिले हैं? 16 व्यक्ति को। पद्म विभूषण जो मिले हैं सात व्यक्ति को, पद्म भूषण जो मिले हैं 16 व्यक्ति को मिले हैं। और पद्मश्री किसको मिले हैं? 118 व्यक्ति को। अब हम जो बात करेंगे पद्म विभूषण किस किस को मिल गए हैं, तो सात व्यक्ति ऐसे कौन है? तो जो फर्स्ट पे जो नंबर आता है अरुण जेटली, जो दिल्ली का क्या थे पहले, वो थे पूर्व वित्त मंत्री। 2019 में इनकी मृत्यु हो गई। अगर 24 अगस्त 2019 में उनकी मृत्यु हो गई। और जो सेकंड है सुषमा स्वराज, तो ये क्या थी पहले? हमारे पूर्व रक्षा मंत्री थी। और जब इनकी मृत्यु कब हुई? तो 16 अगस्त 2019 में इनको मृत्यु हो गई। और इनमें इनके जो इनको अवार्ड मिल गया है कौन सा? पद्म विभूषण में किन किन को? अरुण जेटली को, सुषमा स्वराज को। अब हम बात करेंगे जो थर्ड है वो है अनिरुद्ध जगन्नाथ, इनको क्या मिल चुका है? पद्म भूषण मिल चुका है। और ये मॉरिशस पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इनको क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। जो फोर्थ की हम बात करते हैं एस सी मैरी कॉम का, आपने तो नाम बहुत ही सुना होगा। ये क्या है? प्रसिद्ध बॉक्सर है और इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है। और ये कहाँ की निवासी है? ये मणिपुर की निवासी है। इसको भी क्या मिला है? पद्म विभूषण मिल चुका है। अब हम बात करेंगे जो फाइव है पंडित चन्नू लाल मिश्रा। कौन? पंडित छन्नू लाल मिश्रा, जो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक है। इनको क्या कर दिया गया? इनको दिया गया पद्म विभूषण दिया गया है। क्या दिया गया? पद्म विभूषण। अब हम बात करेंगे जो सिक्स है वो है विश्वेश तीर्थ स्वामी, जिनकी हाल में ही इनकी मृत्यु हो गई है। 29 दिसंबर 2019 को इनकी मृत्यु हो गई है। और ये कर्नाटक के स्वामी थे वहां पर। अब मेजार मठ के प्रमुख क्या थे? स्वामी थे और उनकी मृत्यु हो गई है। हम बात करेंगे सेवन जिसको पद्म भूषण मिला, ये लास्ट है सेवन, जॉर्ज फर्नांडिस क्या थे? रक्षा मंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री और ये रेल मंत्री भी है। और इनकी हाल में ही इनकी क्या हुई? मृत्यु हो चुकी है। कब हुई है? 20 जनवरी 2019 जनवरी नहीं तो
2020 नहीं कहा मैंने, यहाँ कहा 20 जनवरी 2019, तो उसकी मृत्यु हो चुकी। तो इन सभी को क्या मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है। मैं पद्म विभूषण जो इन व्यक्ति के नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और पद्मश्री की भी जो 118 जो व्यक्ति किस किस को मिल चुका है उनका, उनकी वीडियो अलग से बनाऊंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये सभी को नॉलेज मिल सके। और आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। और कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे इस चैनल को। सो मैं ना फिर रिपीट करता हूँ ताकि ये जल्दी से जल्दी आपको याद हो जाए, क्योंकि ये एग्जाम की डिस्ट्रिक्ट कौन से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अगर मैं बात करूं कि इसके जो क्वेश्चन पूछ ले जाते तो ऐसे पूछ ले जाते हैं कि पद्मा विभूषण किस व्यक्ति को मिला है, तो 7 व्यक्ति को मिल चुका है। कई बार एग्जाम में इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं, हमें सामान्य तौर पर याद भी होना चाहिए। आइए से फिर रिपीट करते ताकि याद हो जाए। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिकों को दिया जाता है पद्म भूषण, और किसके लिए दिया जाता है ये पुरस्कार, कला के क्षेत्र, समाज सेवा के क्षेत्र में, विज्ञान उद्योग के क्षेत्र में, और चिकित्सा के क्षेत्र में, और साहित्य खेलकूद के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदान किया जाता है क्या पद्म पुरस्कार। तो इसका जो सबसे पहले दिया गया था तो वो 1954 में दिया गया था। क्या दिया गया था, पद्म पुरस्कार प्रदान किया गए थे, सबसे पहले किया गया था, अब ये दूसरी बार दिया गया है। और मैं ये बताना चाहती हूँ पद्म पुरस्कार किस तरह के कितने प्रकार के होते हैं। तो ये पद्म पुरस्कार वो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट है पद्म विभूषण, और सेकंड है पद्म भूषण, और जो थर्ड है पद्मश्री। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, फर्स्ट है पद्म विभूषण, सेकंड है पद्म भूषण, थर्ड है पद्मश्री। अब पद्म भूषण 2020 में कुल कितने लोगों को मिल चुका है, तो एक से मतलब 141 लोगों को मिल चुका है, मतलब 142 लोगों को मिल चुका है पद्म पुरस्कार। तो बात कर पद्म विभूषण कितने लोगों को मिल चुका है, पद्म विभूषण जो मिल चुका है 7 व्यक्ति को मिल चुका है, और पद्म भूषण जो मिला है 16 व्यक्ति को, और पद्म श्री मिला है 118 व्यक्ति को। अगर मैं बात करना चाहती हूँ पद्म विभूषण के बारे में, कौन कौन से व्यक्ति है जिसको मिल चुके हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताने का प्रयास करूंगी। पद्म विभूषण के जो 16 व्यक्ति है उनके बारे में डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, और पद्म श्री जो व्यक्ति है 118 पद्मश्री जो जिसको मिले है ये पुरस्कार, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी 118 व्यक्ति के नाम के साथ। और मैं ये बताना चाहती हूँ पद्म विभूषण किस किस को मिल गया है। जो पहले हमारे वित्त मंत्री थे कहाँ में, दिल्ली के, तो उनकी मृत्यु हुई थी कब, 24 अगस्त 2019 में, और उनको भी पद्म विभूषण मिल चुका है। अब बात करूँ मैं सेकेंड सुषमा स्वराज, इनकी भी मृत्यु कब हुई थी, 6 अगस्त 2019 को, इनको भी क्या मिल चुका है, पद्म विभूषण मिल चुका है, पूर्व रक्षा मंत्री रह चुकी है हमारी। और जो है फोर्थ एस श्री मेरी कॉम, आपने इसके नाम तो बहुत ही सुना होगा, इसकी मूवी भी बन चुकी है मेरी कॉम के ऊपर, और प्रसिद्ध बॉक्सर है ये, बॉक्सर चैंपियन है ये, जो मणिपुर की निवासी है, इनको भी क्या मिल चुका है, पद्म विभूषण मिला है क्या, पद्म विभूषण। और थर्ड जो है निरुद्ध जगन्नाथ, तो इनको भी क्या मिल चुका है, पद्म विभूषण मिल चुका है, जो मॉरिशस पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वहीं मैं बात करूं फिफ्थ जो है पंडित झन्नू लाल मिश्रा, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक है ये, इनको भी क्या मिल चुका है, पद्म विभूषण मिल चुका है। यही बात करूं मैं श्री जो है विश्व तीर्थ स्वामी, ये कहाँ के थे, कर्नाटक के थे, और क्या थे, पेजावार के बट के प्रमुख थे ये स्वामी, और ये कर्नाटक में रहते थे। अब इनकी भी मृत्यु हो चुकी है, कब हो चुकी है, 29 दिसंबर 2019 को इनकी क्या देहांत हो चुका है। और
सेवन जो है जॉर्ज फर्नांडिस पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं, रक्षा मंत्री और रेल मंत्री भी रह चुके हैं, और उनकी मृत्यु भी हो चुकी कब हुई है 29 जनवरी 2019 को उनकी मृत्यु हो चुकी है, और उनको अभी क्या मिल चुका है पद्म विभूषण मिला है। और इसमें एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ये क्या है महत्वपूर्ण है। आइए मैं इसको क्वेश्चन दो चार बता देती हूँ ताकि एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं कि पद्म विभूषण किन व्यक्ति को मिला है उसके नाम बताइए। तो जो यहाँ पर है अरुण जेटली और सुषमा स्वराज और एएससी मैरी कॉम, और थर्ड जो है अनिरुद्ध जगन्नाथ, और जो फिफ्थ है पंडित झंझूलाल मिश्रा, और विश्व तीर्थ स्वामी, और जो है जॉर्ज फर्नांडिस। इनको क्या मिल चुका है विश्व विभूषण पद्म विभूषण पुरस्कार मिल चुका है। तो ये एग्जाम की डिस्ट्रिक्ट कौन सी, ये भी पूछ लेता है कि पहली बार ये पद्म पुरस्कार कब दिया गया था। तो 1954 को दिया गया था, भूलना मत सभी, क्योंकि एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। और ये भी पूछ लेता है कितने प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। तो पद्म विभूषण दिए जाते हैं, और पद्म भूषण दिए जाते हैं, पद्मश्री दिए जाते हैं, और एक और पुरस्कार है वो है भारत रत्न, जो इस बार नहीं दिए गए हैं। अब ये पूछा था पद्म पुरस्कार 2020 में कुल कितने व्यक्ति को पद्म भूषण विभूषण और श्री पद्मश्री मिल चुके हैं। तो कुल टोटल मिल चुके हैं 141 लोगों को क्या मिल गए हैं पद्म पुरस्कार दिए जा चुके हैं। So thank you for watching my video.